हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे हम बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के बनाएंगे, वो भी घर पर रखे हुए कुछ ब्रेड से। जी हाँ, ये गुलाब जामुन ब्रेड से बनाएंगे है, वो भी एकदम परफेक्ट। ये देखिए, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन हम ब्रेड से बनाएंगे। चलिए देखते कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया से चाशनी भी शोक कर लेते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले चाशनी को तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन में 1 कप चीनी डालिए, साथ में इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप चीनी के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम चालू कर देंगे। चीनी अच्छे से घुलने तक हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 इलायची। इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है चाशनी में, इसलिए हमने 2 इलायची कुटकर डाली है। अब इसे लगातार इसे चलाते रहेंगे। जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे चलाएंगे। चाशनी में बढ़िया से उबल भी आई है, ये देखिए। और 2 मिनट के लिए हम ऐसे इसे पकाएंगे। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इस चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। हमें चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, बस हल्का से ऑयल जैसे चिपचिपा होना चाहिए। एक तार दो तार की चाशनी नहीं चाहिए हमें, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। जैसे हम ऑयल को टच करते हैं ना तो फील हो जाता है, वो बस उसी तरह से। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड लिए हैं, ये वाइट वाले ब्रेड है मीडियम साइज़ की। अब इसे किनारे कट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सभी किनारे को हम हटा देंगे। इस रेसिपी में इस किनारे का कोई काम नहीं है, इसे अच्छे से किनारे को हटा लेंगे। जो भी इसका पार्ट ब्राउन बचा है वो भी निकालेंगे। चलिए एक और स्लाइस को हम कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से इसे कट करना है। आप चाहे तो इसे हाथों से भी कट कर लेते हैं, इजीली निकल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सभी ब्रेड को हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। हमें बस ये वाइट वाला पोर्शन चाहिए, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए, मैंने सभी ब्रेड को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। अगर आपको इस तरह से टुकड़े करना ज़्यादा दिक्कत की बात लगती है, आप इसे मिक्सी में चलाकर इसका चूरा बना सकते हैं। मैंने इसी तरह से सभी ब्रेड को हाथों से तोड़ कर लिया है, ये इजीली टूट भी जाता है। देखिए सभी ब्रेड को अच्छे से तोड़ दिया है। अब हम इसमें 1/3 कप दूध डालेंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब तक ब्रेड अच्छे से बाइंड नहीं हो जाता तब तक हम इसमें दूध डालेंगे। अच्छे से सभी ब्रेड को हमें गीला गीला करना है। अगर आपको कहीं पे भी ब्रेड सूखा सूखा लगे तो उस पर आप थोड़ा सा दूध डालिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है और इसे अच्छे से बाइंड किया है। ये देखिए, ये डो के फॉर्म में आ चुका है। चलिए हम इसे अच्छे से मसल लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा मसलना नहीं है, इसे हम ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुकी है, ब्रेड अच्छे से फूल भी चुका है। चलिए हम इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लेते हैं। इस तरह से हाथों का ए वाला पोर्शन लेंगे और इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। हमें इस डो को अच्छे से चिकना करना होगा। इसे चिकना करने में बस 30 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड में अच्छे से चिकना हो जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कोई वीडियो कट नहीं की है, आपको अच्छे से इसे चिकना करके दिखाती हूँ। बिल्कुल हमें इसे अच्छे से डो बनाना है ताकि हम इसके गोल गोल गुलाब जामुन को शेप दे सके। ये देखिए, ये बड़े से चिकना हो चुका है। ये देखिए, अच्छे से चिकना हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटा टीस्पून घी, या पर हमने देसी घी का यूज़ किया है। 1/6 टीस्पून घी डालेंगे। घी डालकर हमें इसे एक बार अच्छे से मसलना है। घी डालने से डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे ना उसमें ज़रा से भी दरार नहीं आती है, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनता है। आप इसे मनचाहे शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए, घी में अच्छे से डो को हमें मिक्स किया है।
ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे चिकना कर दिया है। ये देखिए एकदम खोया जैसा डो बन चुका है हमारा, थोड़ा सा चिकना भी हो चुका है। अब हम इसकी छोटी सी लोई लेंगे और इसके मीडियम साइज के गुलाब जामुन बनाएंगे। ये देखिए एकदम इजीली बन जाता है, ताकि हमने इसे अच्छे से घी में मिक्स किया है, कहीं पे भी दरार नहीं पड़ी है। ये देखिए एकदम अच्छे से बन चुके हैं। चलिए हम इसी तरह से सभी गुलाब जामुन को बनाएंगे। सबके घर में मावा नहीं होता है या फिर मिल्क पाउडर नहीं होता है, त्योहारों पे हम इसी तरह से ब्रेड से गुलाब जामुन बना सकते हैं। जो किसी को मावा और दूध पाउडर नहीं मिलती है, उनके लिए एक बढ़िया सा ऑप्शन है। एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन भी बना सकते और त्यौहार को एंजॉय भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें घर पर आसानी से मिल जाएंगे, ये रेसिपी बहुत ही खास है। चलिए हम सभी गुलाब जामुन को बनाया है, अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम। मीडियम हीट पर ऑयल को अच्छे से गर्म किया है, अब हम इसमें एक एक करके गुलाब जामुन छोड़ेंगे। इसे एक मिनट के लिए हम टच नहीं करेंगे। जब गुलाब जामुन छोड़ेंगे ना, हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम इसे टर्न करेंगे, वो भी हल्के हाथों से, ताकि ये बीच में से टूट ना जाए। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, चलिए हम हल्के हाथों से इसे टर्न कर लेते हैं। सभी तरफ से गुलाब जामुन का कलर चेंज होने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है, ताकि सभी गुलाब जामुन का कलर एक जैसा आ जाए। इसलिए हम इसे लगातार चलाएंगे, मीडियम हीट पर इसे अच्छे से पकाएंगे हम। ये देखिए इसी तरह से हमें इसे टर्न करते रहना है, बढ़िया से ये फ्राई होने चाहिए। अब हम थोड़ा सा डार्क करेंगे इसका कलर, ताकि चाशनी में जाकर इसका कलर थोड़ा सा फेंट हो जाता है। तो डार्क करेंगे तो बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया सा कलर भी आ चुका है गुलाब जामुन का, चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये ब्रेड से बनाए हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। सभी गुलाब जामुन को हम ऐसे निकालेंगे। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, ताकि बाकी के गुलाब जामुन ओवर फ्राई ना हो सके। हमें इसका कलर बिल्कुल एक जैसा चाहिए। ये देखिए अब हमने एक बाउल में चाशनी को निकाला है, चाशनी भी हल्की सी गर्म है। अब इसमें डालेंगे गर्मा गर्म गुलाब जामुन। इसे हम 2.5 घंटे के लिए इसी तरह से डीप रहने देंगे, ताकि ये चाशनी को बढ़िया से सोख सके। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। ये देखिए चाशनी बढ़िया से गुलाब जामुन ने सोख ली है, ये देखिए एकदम बढ़िया से फूल चुके हैं। चलिए हम चम्मच से आपको एक गुलाब जामुन निकल कर दिखाते हैं, कितने बढ़िया से ये फूल गए हैं। आप इसके थिकनेस देख सकते, पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है और एकदम परफेक्ट बना है। ये इजीली कट भी हो जाता है। मैंने अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए पिस्ता, ताकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे। ये देखिए हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन तैयार है, वो भी घर पर आसानी से। हर कोई इसे बनाना चाहेगा, ताकि ये रेसिपी बहुत ही खास है। चलिए हम कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।